नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा सैनिक स्कूल 2022 परीक्षा का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है उसके अंदर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। ठीक है जी, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाफट डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि आपने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं, सारी गाइडलाइंस को अच्छे से, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको समझ लिया है। सही है, आपने वो सारी चीजें पढ़ ली। सेकेंड जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पिछले 14 दिनों में आपको कोई फीवर तो नहीं है, कोई कफ तो नहीं है, या सांस लेने में कोई दिक्कत है, या आपकी नाक बह रही है, शरीर में दर्द है, या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप उसको बता सकते हैं। सिंपल है, सही है। तो इस जो भी आप यहाँ पे टिक करेंगे, बताएंगे, जानकारी देंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि बच्चे को पेपर देना है कि नहीं देना है, क्वारंटाइन करना है या कहीं अलग बिठा करके बच्चे का पेपर ले सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे आपको बताना है, सही सही सच्ची सच्ची जानकारी देना है। माँ बाप से यही रिक्वेस्ट है कि छुपाए ना, कहीं ऐसा ना हो कि एक बच्चे की वजह से सभी को कोरोना फैल जाए, लोगों को दिक्कत आए। आपको उस कम्युनिटी का भी, लोगों का भी ध्यान देना है और बच्चों का भी ध्यान देना है। सिर्फ अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचना है कि मेरा बच्चा पेपर दे दे, बाकी चाहे जो मर्जी हो जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है तो कोशिश आप यही करो कि बहुत अच्छे प्रिकॉशंस ले करके, पूरा मास्क वास्क सैनिटाइज करके अच्छे से, है ना, और सही जानकारी जरूर प्रोवाइड करें। इसके बाद देखिए यहाँ पे आया है बीन इन कॉन्टैक्ट विद, आप किसी कॉन्टैक्ट COVID-19, है ना, किसी COVID-19 कन्फर्म्ड केसेस के कॉन्टैक्ट में तो नहीं आए हैं, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप आए हैं तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, नहीं आए तो नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग COVID-19 एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कहीं आपको ऐसी सिचुएशन तो नहीं आएगी, आपको क्वारंटाइन में रखना पड़े, या आप रहे हो, या आप किसी के कॉन्टैक्ट में आए हो, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको टिक करना है, नहीं हुआ है तो आपको नहीं करना है ना, अननेसेसरी। फिर डी पॉइंट आता है कि भी आपने बताना है पिछले 14 दिनों में एग्जाम सेंटर आने से पहले आप किस किस शहर में कब कब गए हो। तो यहाँ पे पहले शहर का नाम और नीचे डेट, दूसरे शहर का नाम नीचे डेट, तीसरे शहर का नाम नीचे डेट, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लास्ट में है यहाँ पे आपको अपने बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। सर कौन सी फोटो लगानी है, जो ऑलरेडी एडमिट कार्ड में लगी हुई है। ठीक है, तो आपको वही फोटो एडमिट कार्ड में यूज करनी है, वही एडमिशन के टाइम यूज करना है, वही मेडिकल के टाइम यूज करना है, तो उसी तरह की कम से कम 10 से 15 फोटो खिंचवा करके रख लो, मैंने पहले भी बताया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पे लगाना है, आपको यहाँ पे डालना है। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, तो ये जो लेफ्ट इम्प्रेशन है ये आपको जब आप वहां पे जाएंगे ना एग्जाम सेंटर पे, तब आपको लगाना है। क्लियर है जी, पासपोर्ट साइज फोटो आप पहले ही लगा लेंगे, पेरेंट्स का सिग्नेचर आप पहले ही करवा लेंगे, ठीक है, लेकिन ये कैंडिडेट सिग्नेचर कब होगा, ये उनके सामने होगा जो आपका एग्जाम लेंगे, ठीक है, जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे उनके सामने होगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन टू बी पुट बिफोर रीचिंग द सेंटर, तो ये यहाँ पे आपको लगा करके जाना है। तो ये आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंस्ट्रक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो मैं आपको सिंपल कहूंगा, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। हमारा टारगेट यही रहता है यार, किसी पेरेंट्स को दिक्कत ना है, किसी बच्चे को, तो जब भी आप सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिलवा रहे, एक बार आप कॉल करो, बात करो। हर रोज रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।